दोस्तों ये है शाहनवाज खां का बुरहानपुर स्थित मकबरा, जिसे काला ताजमहल कहते हैं, जिसे देखकर शाहजहां को अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाने का विचार आया। तो अब हम पहुंच चुके हैं काला ताजमहल, जो देश का एकमात्र काला ताजमहल जिसे कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना के सबसे बड़े बेटे शाहनवाज खान, जो दक्षिण की विजय में जहांगीर को बहुत मदद की थी, उनसे खुश होकर उन्होंने शाहनवाज खान की उपाधि दी गई। और जब 44 साल की उम्र में उनका निधन हो गया तो जहांगीर ने उनके लिए ये काला ताजमहल बनवाया गया। इंडो ईरानी स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर का शानदार नमूना, सदियां गुजर गई पर अभी भी उसका रंग और उसकी चमक वैसी की वैसी बाकी है। आप देखिए, यह शाहनवाज खान और उनकी बेगम नीलोफर बानो का मकबरा। असली कब्रें इस मकबरे के नीचे तहखाने में है, जहां हम लोग अभी चलकर देखेंगे। शानदार चित्रकारी। ये तहखाना इस मकबरे के नीचे है, जिसके अंदर शाहनवाज खान और उनकी बेगम की कब्रें हैं। थोड़ा अंधेरा होने के कारण शायद आप ठीक से नहीं देख पाएंगे। और इस काले ताजमहल के बिल्कुल सामने है पानदान महल। एक पानदान की शक्ल का इसका आर्किटेक्चर है, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जल्दी आर्कोलॉजिकल सर्वे इसका जीर्णोद्धार का काम शुरू करेगा। अंदर शाहजहाँ खान की बेटी, जो शाहजहाँ की बेगम थी, उनका मकबरा ही, और बिल्कुल सामने उनके पिता शाहनवाज खान का मकबरा दिखाई देता है।